पठान को लेकर मार्केट में भयंकर बस चल रहा है। कहा जा रहा है कि पैंडेमिक में जितनी थिएटर्स बंद हुए, शाहरुख खान की ये फिल्म उन्हें दोबारा से खड़ा कर देगी, क्योंकि इस फिल्म को हर तरह की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मल्टीप्लेक्स वाले भी देखेंगे और सिंगल स्क्रीन वाले भी। जिस तरह की एडवांस बुकिंग चल रही है, ये सारी बातें काफी हद तक सही होती नजर आ रही हैं। तरण आदर्श ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, पठान सिंगल स्क्रीन्स को रिवाइव कर रही है। जिस तरह की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है, उस लिहाज से पठान थिएटर बिजनेस को दोबारा से जिंदा करने जा रही है। सबसे जरूरी बात ये कि देश के कुछ 25 सिनेमा घर बंद हो गए थे, जिस तरह का पठान का बज है वो दोबारा से खुलने वाले हैं। सिंगल स्क्रीन्स के आंकड़े तो पता नहीं चल पा रहे, मगर देश के टॉप मल्टीप्लेक्स चेन्स में पठान ने आग लगा कर रख दिया है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। ये आंकड़े 23 जनवरी की दोपहर तक के हैं। अभी फिल्म की रिलीज में 1.5 दिन बाकी हैं। देश की मल्टीप्लेक्स चेन्स में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट हम अब आपको बताते हैं। बाहुबली 2, इस फिल्म की रिलीज से पहले देश भर में कुल 6.5 लाख टिकट बिक गए थे। KGF 2 लिस्ट में दूसरे नंबर पर है यश की फिल्म, जिसके 5.15 लाख टिकट एडवांस में बुक हो गए थे। वॉर जो कि तीसरे नंबर पर है, यशराज की स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 4.05 लाख तक पहुंच गई थी। चौथे नंबर पर शाहरुख खान की पठान है। शाहरुख खान की ये कमबैक फिल्म रिलीज से 1.5 दिन पहले ही इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। 23 जनवरी की दोपहर तक इस फिल्म की 3.55 लाख टिकटें बुक हो गई थी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर इस फिल्म को लेकर बड़ी उम्मीदें थी। YRF की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 3.46 लाख तक पहुंच गई थी। सनद रहे कि इस लिस्ट में जो टॉप 2 फिल्में हैं वो फ्रेंचाइज फिल्में थी, यानी उनकी कहानी लोगों को पता थी, मगर उन्हें जानना था कि आगे फिल्म में क्या होता है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वो फिल्म है जिसकी एडवांस बुकिंग तो ताबड़तोड़ हुई, मगर रिलीज के बाद थिएटर्स खाली ही रहे, क्योंकि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत खराब रहा। वॉर वो इकलौती फिल्म है जिसमें जनता ने एडवांस में भरोसा जताया और फिल्म उस भरोसे पर खरी उतरी। देखते हैं पठान के साथ क्या होता है, एडवांस बुकिंग जितना उत्साह लोगों में फिल्म की रिलीज के बाद भी रहता है या नहीं। ऐसे में फिल्म के लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी हो जाता है, और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की एक शर्त है पिक्चर का वाकई अच्छा होना। पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में लग रही है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम भी लीड रोल्स में हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।